इंदौर की डॉक्टर तबस्सुम सैयद ने संस्कृत में पीएचडी की है और वो बच्चों को संस्कृत भी पढ़ाती हैं। वे 15-20 सालों से मुस्लिम सहित हिंदू बच्चों को संस्कृत पढ़ा रही हैं। टीचर्स डे पर जानिए संस्कृत टीचर पीएचडी होल्डर डॉक्टर तबस्सुम की कहानी। मैडम से संस्कृत पढ़ने के लिए बच्चे उर्दू के स्थान पर संस्कृत सब्जेक्ट को चुन लेते हैं। इनमें मुस्लिम और हिंदू सभी बच्चों को संस्कृत के श्लोक याद हैं। जो अपने संस्कृत के वो होते हैं वर्ड, ये बहुत लंबे होते हैं, तो क्या है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसको पढ़ने में, एकदम उसको ऐसे पढ़ते हैं बिल्कुल मिला नहीं पाते, उसको धीरे शांति सब्र धैर्य से पढ़ा जाता है। कॉलेज के दिनों में डॉक्टर तबस्सुम को संस्कृत टीचर की बात बुरी लग गई थी। मुस्लिम लड़कियां संस्कृत नहीं पढ़ सकती है, मुझे उनकी बात बुरी लगी। अच्छी तो फिर मैंने अगले दिन ये सोचा कि मैं क्यों नहीं संस्कृत पढ़ सकती हूँ, तो मैंने एमए में एडमिशन लिया संस्कृत में। पढ़ने में तो बहुत तकलीफ हुई क्योंकि 10वीं तक के मैंने पढ़ाई करी थी। डॉक्टर तबस्सुम ने संस्कृत में एमए एमफिल करने के बाद संस्कृत में पीएचडी भी की है। पीएचडी 2008 में अवार्ड हुई थी मेरी, और एमफिल 2003 में एडमिशन लिया था, 2005 में हुई थी पूरी। डॉक्टर तबस्सुम सैयद पलासिया में सेंट उमर स्कूल में पढ़ाती हैं। दैनिक भास्कर के लिए इंदौर से देवेंद्र मीणा की रिपोर्ट।